हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं. गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच. गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को. एंड उससे पहले मैं बोल दूं कि रीडिंग कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. ओके, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को. देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी. ओके, स्टार्टिंग में पहला जो मैसेज मुझे मिला ना, मुझे ऐसा लगा कि आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है और वो आपको वो नहीं बोल पा रहा है जो वो फील करता है या करती है. ठीक है, तो यहाँ पहला मैसेज ही आया है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी या मेरा थ्रॉट चक्रा, मुझे ऐसा फील हुआ जिससे इसमें ब्लॉक मेरे को फील हुआ. तो ऐसा मुझे को फीलिंग आ रही है और मैसेज है गाइस कि आपके पर्सन में से काफ़ी सारे लोगों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है. ठीक है, तो इस वजह से वो जो फील करते हैं, फील करता होगा वो बंदा लेकिन बोलेगा नहीं आपसे कुछ भी, या जो भी बंदी है, जो भी आपका पार्टनर है, वो आपके बारे में फील करता होगा, आपको दिल से चाहता होगा, चाहती होगी, बट उसके मुंह से कुछ निकलेगा नहीं आपको लेकर. ठीक है, ऐसा यहाँ मैसेज था पहला. जो पर्सन है कहीं ना कहीं उसके मन में झुकाव बहुत है. मैं देखो बहुत अच्छी बात आपको बताना वाली हूँ. आपका जो पर्सन है उसको मालूम है कि उसने कहाँ गलती की है, उसको ये भी मालूम है कि उसकी क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं, उसको उन चीज़ों का गिल्ट भी है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. एंड कहीं ना कहीं उसका मन झुका हुआ है, यानी उसके मन का झुकाव भी आपकी तरफ है. लेकिन यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है वो ये कि इस पर्सन को ये सारी चीज़ें बोलने में बड़ी परेशानी है. मतलब यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि जैसे ये मैसेज मैंने शायद आपको कई बार दिया है कि आपका पार्टनर जानता सब कुछ है, मानता नहीं है बस. ठीक है, जानना मतलब कि देखिए, आप जब कुछ कर रहे होते हैं तो आपको मालूम होता है कि मैंने किया है, ये मेरी गलती है. ठीक है, आपको पता होता है ये आपकी गलती है, ये आपने सही किया है, आपको सब कुछ मालूम होता है. लेकिन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को मान लेना सामने वाले की, उसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, बिकॉज उसके लिए आपको अपना ईगो साइड नीचे करना पड़ता है. तो इस पर्सन के लिए एनर्जी आ रही है कि इसका मन का झुकाव आपकी तरफ है. इस पर्सन को ना, जैसे ये पर्सन आपके सामने अभी घुटनों पर बैठ जाएंगे, इतना इस पर्सन के मन में झुकाव आपके लिए है. मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है. लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन का थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये सारी चीज़ों को आपके सामने ये पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी आपके मुंह पर ये चीज़ें नहीं बोलेगा वो. ओके, ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है. ओके, ये पर्सन अपने भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं, खुद से 100 100 बार माफ़ी मांग सकते हैं. ठीक है, आपसे 100 100 बार पीठ पीछे माफ़ी मांग सकते हैं. लेकिन जैसे एनर्जी फील होती है कि पर्सन आपके मुंह पर माफ़ी नहीं मांग सकते, यानी आपके मुंह पर आकर ये पार्टनर ये नहीं कह सकता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. तो ये जो झुकने वाली एनर्जी है ये आपके मुंह पर नहीं है. ठीक है, ये जस्ट इस पर्सन के मन में है. ठीक है, ये आपके मुंह पर नहीं निकल कर आ रही, मतलब इसके मुंह से आपके आपके सामने निकल कर नहीं आ रही है. ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है, मेरी थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज यहाँ पर मैसेज निकला है. एंजल्स यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनके लिए फील करता है बट कम्युनिकेट नहीं करता है, यानी बातचीत में बोलता नहीं है, वो थ्रॉट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं. वो ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि मेडिटेशन के टाइम, अब देखिए मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि इसमें बोलना कुछ और चाहती हूँ, निकल कुछ और रहा है. तो ऐसे ही मेरे को ऐसा लग रहा है, बार बार मेरी एनर्जी, मतलब मैं कोई वर्ड्स यूज करना चाहती हूँ और उसकी जगह कुछ और निकल रहे हैं. इसका मतलब है कि इंसान के मन मन से कुछ और आ रहा है और वो बोल, मतलब उसके शब्द कुछ और ही हो जा रहे हैं, यानी कि शब्द में एक लड़खड़ाहट सी नजर आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपका पर्सन आपको वो नहीं बोल रहा है जो वो फील कर रहा है. ठीक है, वो आता है वो सोचकर कि वो ऐसा बोलेगा आपको, वैसा बोलेगा, लेकिन उसके मुंह से निकल नहीं पाता बिकॉज उसके थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज है गाइस. ठीक है, और उसकी वजह से उसके मन में बहुत सारी अलग तरीके की चीजें चल रही होंगी जिसकी वैसे वो चीजें नहीं बोलता है. ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि थ्रॉट चक्रा की हीलिंग आप कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर. ओके, ओके
एंजल्स यहाँ पर ऐसा भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी का पर्सन, जैसे मान लीजिए उससे बात करने के लिए एक पल को आ भी जाता है, ठीक है, भले ही वो आपसे बहुत सारी बातें नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको उसके अननेसेसरी जो भी उसका साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, या कुछ का कुछ बोलना होता है, या लड़खड़ाहट जो हमने कहा कि बोलने कुछ और आता है, शब्द कुछ और चुन लेता है, तो आपको किसी भी चीज़ से इस पर्सन की ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि आप ट्रिगर होकर इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। शायद कल भी ये किसी का मैसेज था, तो मैं यहाँ रिप्लाई कर देती हूँ। कल किसी का मैसेज आया था कि मैम मेरा पार्टनर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ईगोस्टिक है, ये है वो है, मतलब काफी उसका लंबा चौड़ा मैसेज था। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब तक इंसान को ऐसा लगता है कि आपको बहुत फर्क पड़ता है, तब तक वो आपको ट्रिगर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर आता है, ठीक है, अगर आपने उसे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, या फिर आपने उसको चार बातें बोल दी, या फिर आपने उसको गुस्सा दिखा दिया, आपने उस पर्सन से नाराजगी जता दी, उससे उम्मीद जता दी, उसे प्यार जता दिया, बहुत सारी चीजें आपने जता दी, ये सारी चीजें एक चीज दिखाती हैं कि आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसी जगह पर आपका पार्टनर आया और आपने रिएक्ट ना करने की बजाय रिस्पॉन्स कर दिया, रिस्पॉन्स का मतलब है कि उसका हेलो आया, आपने हेलो कर दिया, उसने पूछा कैसे हो, आपने कैसे हो का रिप्लाई कर दिया, मतलब जितनी बात उसने करी उतनी कर आपने रिप्लाई कर दिया। जब आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ओके, जब आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि शायद आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एंजल्स यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से बात करें, ठीक है ना। मतलब एंजल्स आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा इस पर्सन को चीजें ना तो दिखाने की कोशिश करें, ना ही इस पर्सन को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप नाराज हैं, आपकी जिंदगी में इस पर्सन की कोई इस तरह की एनर्जी है कि तुम आते हो तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तुम जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा न्यूट्रल बिहेवियर दीजिए इस पर्सन को कि आप इस पर्सन का मैसेज आता है तो भी आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कब हो पाएगा? ये उसी के साथ हो पाएगा जो हील होगा, नहीं जो हील नहीं होगा, जो अनहील्ड पर्सन होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगा अपने पार्टनर की किसी भी अननेसेसरी चीज की वजह से, और रिएक्ट करके चार बातें बोलकर और सारी चीजों को खत्म करके गुस्से में आ जाएगा, और जो हील होगा उसे गुस्सा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन का है थ्रोट चक्र ब्लॉक, ठीक है। तो वो कुछ का कुछ बोलता है आपसे, और उसकी वजह से जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी पूरी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, तो इस वजह से आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी को कभी भी इस इंसान के लिए ड्रेन ना करें। जितनी बात वो करता है पेशेंस के साथ उतनी बात कर लें, एक्स्ट्रा ना उसको कोई सलाह दें, ना एक्स्ट्रा उसे कुछ बोलने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को परमात्मा खुद सिखाते हैं, अगर वो आपसे नहीं सीख रहा है तो वो या तो किसी तीसरे से सीखेगा या परमात्मा से स्वयं सीखेगा, ओके। एक मैसेज आप लोगों के लिए और आ रहा है कि जिस दिन आपका पर्सन आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करे और वो हर बात बोले जो उसके मन में है, उस दिन आप भी क्लियर कम्युनिकेट कीजिएगा। उस दिन आपको थ्रोट चक्र ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, उस दिन आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपका पर्सन क्लियर कम्युनिकेट नहीं करता है, खुलकर बातों को नहीं बोलता है, तब तक आप अपनी एक्स्ट्रा चीजें उस पर्सन को ना दिखाएं, क्योंकि वो चीज उस पर्सन के अंदर ईगो को एक्टिव कर देती है और उसका थॉट चक्र ऑल ब्लॉक। और देखिए मैं बोल रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शब्द ही कुछ और निकल रहे हैं। तब तक ना उसका जो उस पर्सन का जो थॉट चक्र है ना वो और ब्लॉक हो जाता है जब आप ईगो में आते हैं, सॉरी जब आप इस पर्सन का ईगो बढ़ाते हैं, ओके। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, शब्द एकदम लड़खड़ा से रहे हैं। इस पर्सन के पास प्रॉपर शब्द नहीं है आई थिंक आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कि इसको बोलना क्या है।
आपने ना हमेशा इस पर्सन को एनर्जी दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना होगा एनर्जी देने का मतलब। ये भी मैंने एक दो बार और पहले गाइड किया है अपनी रीडिंग में, लेकिन आज मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एनर्जी देने का मतलब बेसिकली ये है कि जो बातें आपका पार्टनर आपसे बोलने आया है, जो बातें उसको भी बोलनी चाहिए, जो एनर्जी उसको भी दिखानी चाहिए, जो लव उसको भी शो करना चाहिए, वो उसने नहीं किया, उसके बदले का भी आपने कर दिया। आई होप आप मेरे मैसेज का मतलब समझ गए। उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो पर्सन आपकी तरफ आया तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, ठीक है। उसने आपसे सिर्फ इतना बोला कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो आपने यहाँ से बोल दिया मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तो पता नहीं तुम्हें कब से मिस कर रहा था। मतलब आपने और एक्स्ट्रा एक एक पैरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर घंटी भी सुनाई दे रही होगी आपको भगवान की, तो ये बिल्कुल कन्फर्म मैसेज है कि आप क्या करते हो, उसके एक मैसेज पर आप यहाँ से 100 मैसेजेस और लिखते हो, जिसमें आप अपनी सारी बातें लिख देते हो कि आप ऐसा भी कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ठीक है। वो आपसे आया था, वो आपकी तरफ आया था, उसने एक एनर्जी आपको दी और इसके बदले में आपने यहाँ से, जैसे उसने आपको मतलब 10 रुपए दिया, आपने यहाँ से 100 रुपए पकड़ा दिए उसको, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि वो मेरी एनर्जी लेकर चला गया। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर 4 बातें वो बोल रहा था तो 4 बातें आपको बोलनी थी, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक होता, जैसी बातें वो बोल रहा था वैसी ही बातें आपको बोलनी चाहिए थी। अगर वो झगड़ा करने के मूड में था, आपको वहीं पर इग्नोर कर देना था, ना ब्लॉक करना था, ना अनब्लॉक करना था, ना गुस्सा करना था, ठीक है। अगर वो आपको एक्स्ट्रा उत्तेजित मतलब एक्स्ट्रा आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था, तो जब जब ट्रिगर करे इग्नोर कर दो, ना रिएक्ट करो, ना ही कोई मतलब हल्का फुल्का रिस्पॉन्स करके हटा दो साइड में, ठीक है ना। ना ब्लॉक करो, ना गुस्सा हो। इसमें क्या होगा ना कि आप क्या कर रहे हो, इक्वल देने की कोशिश करो। यहाँ पर आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक वो व्यक्ति बार बार आकर आपको एक ही चीज सिखाता रहेगा, ठीक है। और आप कहेंगे कि आ जाता है, परेशान करके चला जाता है, और मेरा पता नहीं कौन सा लेसन यहाँ पर बन रहा है, आपका यहाँ पर यही लेसन बन रहा है, ठीक है। उसकी एक लाइन का रिप्लाई आप एक लाइन से करिए बिना ट्रिगर हुए, ठीक है। रिस्पॉन्स करिए, हीलिंग के बाद व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट नहीं करता है। हीलिंग के पहले अनहील्ड पर्सन रिएक्ट करता है, हील्ड पर्सन रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उसको पता है कि मुझे क्या कहना है, ना वो अननेसेसरी का ब्लॉक मारेगा, ना गुस्सा करेगा, ना ही कोई उम्मीद जताएगा। लेकिन अनहील्ड पर्सन गुस्सा भी करेगा, ब्लॉक भी करेगा और उम्मीद भी जताएगा, ठीक है, लगाव भी रखेगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे परमात्मा आपसे ये कहना, देखिए यहाँ पर शंख की आवाज भी आ रही है, यहाँ पर जैसे परमात्मा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो मिल रहा है ना वही देना सीखिए। आप कब तक ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। मतलब मिल रहा है का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने चोट दी तो आप चोट देंगे, ठीक है। कोई आपको चोट दे कैसे पा रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान, जैसे वो कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई अगर आपको हराकर बहुत खुश हो रहा है और उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा दें तो उसकी उसकी मतलब कोई कोई आपसे जीत कर बहुत खुश है, ठीक है। और उस वक्त आपने अपनी हार में भी अगर मुस्कुरा दिया ना तो उसकी जीत फीकी हो जाती है। तो वही वाली एनर्जी है कि आपको कभी ये देखना ही नहीं है कि जो जो आपको जो चीज़ करवाना चाहता है, जो भी इंसान आपसे जो चीज़ करवाना चाहता है, अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और उसका उसके विपरीत उसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करते हैं, तो उस इंसान की लाइफ में जो वो इंजॉय करना चाह रहा था उस जीत को वो इंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर आप लोगों को शायद ये लेसन है, आज एंजल्स इसी तरीके से गाइड कर रहे हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में ये है कि आप अपने पर्सन से बहुत परेशान हो चुके हैं, वो आपको कुछ चीजें जता तो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर मैं करूं क्या इस इंसान का, ठीक है। आप उसको टोटली इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है और परमात्मा पर छोड़ा जाता है, क्योंकि वक्त सबको सिखाता है, ठीक है। आप सीखे हैं, हम सीखे हैं, यहाँ पर लाखों लोग सीखे हैं, तो आपका पार्टनर भी सीखेगा। चलिए देखते हैं क्या। और हाँ गाइज, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं मेरे शॉर्ट वीडियोज जो आते हैं उनको डेफिनेटली देखें। हम जो शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ उसमें आपको सेल्फ लव के कुछ मैसेजेस, मैं हर दिन एक अफर्मेशन दूंगी, आप उस अफर्मेशन को सेल्फ लव के लिए यूज़ कीजिए। मुझे ये गाइडेंस आई थी तो मैंने सेल्फ केयर कार्ड्स मंगाए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो उससे मैं एक अफर्मेशन आपको डेली दूंगी। तो अगर आप वो चीज़ अफर्मेशन में यूज़ करते हैं और उसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेल्फ लव में बहुत आगे निकल जाएंगे और इससे आपके ब्लॉकेजेस और ज़्यादा हील होंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
देखिए गाइज, मेरी इंट्यूशंस और मेरी गाइडेंस के, मतलब जो एंजल्स, मैं गाइड नहीं करती, बेसिकली मेरे थ्रू एंजल्स गाइड करते हैं, ठीक है। मैं चार्ज दे देती हूँ उनको पहले ही, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उसके पहले ही मैं उनको चार्ज दे देती हूँ कि यहाँ पर जो गाइडेंस है वो आपके थ्रू हो। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना गाइज, ये मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया, मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया कि एक सेल्फ लव है जो आपके एनर्जीज को बहुत पावरफुल बनाता है। मैं आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट पर ये भी लगा दूंगी कि कौन सी चीजें हैं जो आपको हाई वाइब्रेशन में रहने में काफी ज्यादा मदद करती हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जनवरी से मेरे सारे व्यूअर्स और सेल्फ लव पर बहुत ज्यादा फोकस करें और वो ये देखें आने वाले साल में 2024 जो चल रहा है, कर्मा का जो ईयर है, इसमें वो ये देखें कि आप दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तब आपको कितना मिलता है, और जब आप सेल्फ लव में आते हैं, खुद से उम्मीद लगाते हैं और परमात्मा से लगाते हैं, तब आपको कितना मिलता है। इन दोनों बातों में आप अंतर सीख लेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सेल्फ केयर का मैसेज, मतलब आपकी कैंडल वैक्स में आपको बताया है कि आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है। उस पर आपको डेफिनेटली मैं आपको अफर्मेशन दूंगी, जो भी आप बोलेंगे वो अफर्मेशन को आप रेगुलर बेसिस पर अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे कि उससे भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। एंड सेल्फ लव की भी मैसेजेस मैं आपको देती रहूंगी, तो आप तीनों रीडिंग्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के लिए वही एनर्जी है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत चाहता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अपनी चीज़ों को जानता भी सब कुछ है, पर ये पर्सन आपके सामने चीज़ों को मानता नहीं है। उसका यहाँ पर मैसेज है थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज का, क्योंकि देखिए यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पर्सन आपकी तरफ आता है, आपको ऑफर भी करेगा, ठीक है, ऑफर भी करेगा, और आपको उस पर्सन की एनर्जी में लव भी फील होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी में लव है तो आपको लव फील होता है, ठीक है। लेकिन आप बाद में ये सोचेंगे कि आया था लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, ठीक है, उल्लू बनाकर चला गया, पागल बनाकर चला गया मेरे को, ठीक है। वो क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि आप यहाँ से, ऐसे उसने कुछ बोला तो आपने यहाँ से बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, आपने उसका काम भी खुद ही कर दिया। जैसे एक रूम को साफ करना था तो दोनों की ड्यूटी थी, तो उनको दोनों दोनों को मिलकर आधा आधा रूम साफ करना था। अब एक ने क्या किया, एक ने सिर्फ थोड़ा सा काम किया, दूसरे ने उसके हिस्से का पूरा काम कर दिया, पूरा ही रूम अकेले ही साफ कर दिया। तो अब ये बताइए कि दूसरा वाला क्या करेगा, वो आलसी ही कहलाएगा ना, क्यों, उसका भी हक बन रहा था आधा रूम साफ करने का, पर आपने वो हक उससे छीन लिया। आपने तो कहा कि नहीं भाई, मैं तो पूरा ही कर दूंगी या कर दूंगा, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आप यही काम करते हो उस पर्सन के साथ। उस पर्सन को पता है कि उसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उसको हर चीज मालूम है, ठीक है। और सेल्फ लव, आपका जो सेल्फ लव है, इस पर्सन को लगातार अट्रैक्ट कर रहा है। लगातार जितनी बार आप प्रकृति के सामने ये कहते हैं कि मैं खुद को चुनता हूँ, खुद की खुशियों को चुनता हूँ, खुद की प्रायोरिटीज को चुनता हूँ, खुद की बाउंड्रीज को चुनता हूँ, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति खुद करता हूँ, और मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ यूनियन चाहता हूँ या चाहती हूँ जिससे प्रकृति का भला हो सके, जिससे लोगों का भला हो सके, जिससे मुझे मेरा सोल पर्पस करने में हेल्प मिल सके, जो मेरी सोल पर्पस में हेल्प करे। मैं एक डिवाइन यूनियन चाहता हूँ जिससे यहाँ पर मदर अर्थ को हीलिंग मिल सके। जब इस तरीके के इंटेंशंस आप पुट करते हैं ना, बिल्कुल प्योर प्योर छांट के प्योर इंटेंशंस, आप देखिए कैसे प्रकृति कमाल नहीं करती है। जब जब चीज़ें आप मैं मांगते हो ना कि मुझे चाहिए, मैं मर जाऊँगा, मेरी तकलीफ है, मेरे को परेशानी है, मुझे ये आज तक नहीं मिला, भगवान को ने कुछ नहीं किया, ये मैं वाली जो एनर्जी होती है ना, जितनी ये बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है, और इस एनर्जी में खड़े होकर आप कुछ भी मांग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको डिले डिले में डालती है, वो नहीं सुनती आप, क्योंकि आप खुद की एनर्जीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इंसान ने अपनी खुद की पावर को अपने हाथ में ले रखा है, तो इसको सामने से ऑफर आएंगे, इसको चीजें, इसको प्रकृति ऑफर करेगी, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है, एक लो वाइब्रेशन में मांग रहा है, एक हाई वाइब्रेशन में मांग रहा है, एक के इंटेंशंस बहुत प्योर है, एक के इंटेंशंस मैं वाले हैं कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, हाई वाइब्रेशनल इंसान इसी वजह से तुरंत चीजों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप में से जितने लोग हाई सेल्फ लव में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, उसके पार्टनर उसको आके यहाँ ऑफर भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन आपको परमानेंट कमिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद यहाँ से, मैंने जैसे कहा कि इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस की एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस सीख लीजिए गाइज, ये आपका लेसन है। अगर आप ये लेसन नहीं सीखेंगे तो ये बार बार इसी तरीके से घनचक्कर बनते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्टेबिलिटी का, ठीक है। आपको पर्सन जिस दिन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके सब बोले, उस दिन आप भी बोलिएगा। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, ऐसा नजर आता है कि आपका पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में हो सकता है, या किसी कार्मिक, उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसकी शादी किसी कार्मिक के साथ फिक्स हो गई है, या फिर उस पर्सन को ऐसी नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि ये पर्सन के ऊपर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। जिस जिस पर्सन ने इस मतलब जिस पर्सन को इसने स्टेबल देखा, या इसके साथ इसने स्टेबिलिटी देखी, वो अंत में डेविल निकला। और जिस पर्सन के साथ, इस पर्सन को पता था कि ये मेरा प्यार है, ये मेरी
यही मेरी चीजें हैं, यही मेरी जिंदगी है, उसके साथ इस पर्सन ने इनजस्टिस कर दिया, यानी कि उस पर्सन के साथ इस पर्सन ने इनजस्टिस कर दिया। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि जिसको मैंने चुना वो मेरे लिए शायद डेविल है, और जिसको मैंने छोड़ा शायद वही मेरे लिए लव है। मतलब मैंने कहा ना, इस पार्टनर को सब कुछ मालूम है कि इसने क्या किया है, जस्ट ये आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उस चीज को। यहाँ पर मजीशियन का कार्ड है, ये पार्टनर आपको लगातार मैनिफेस्ट करता है, ये आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसकी ऊर्जा आपको अपनी तरफ लगातार खींचती है, क्योंकि ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, तो आप इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं, तो आप इस पर्सन के हिस्से का भी खुद काम करते हैं, इस वजह से ये पर्सन आपको वो ना देकर जो देने आए थे, ठीक है, आपको पागल बनाकर चले आते हैं, और आप ऐसा सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक का यहाँ लेसन है गाइस। मैंने अपनी रीडिंग में ये तक गाइड किया है कि आपके लेसन कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी पूरी रीडिंग्स को देखा है और इस पर फोकस नहीं किया कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट कब करेगा, अगर आपने इस पर फोकस किया कि आपको कहाँ क्या सीखने की जरूरत है, तो आप अभी तक बहुत आगे निकल गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ साल भर से हैं, क्योंकि देखिए हीलिंग में 1-1.5 साल तो आपका जाता है, कुछ कुछ 2 साल, कुछ कुछ लोगों को 2.5 साल, जो जैसी मेहनत कर ले, ठीक है। उसके बाद ही आपको आपके जो कहते हैं ना कि 100% जो आप जैसे कहते हैं परीक्षा चल रही थी, परमात्मा के तथास्तु करेंगे, तो आपकी सारी डिजायर्स तो उसके बाद ही पूरी होती हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस वो तभी होता है जब आप 100% रेडी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज मेरे को निकल कर आ रहा है, आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।